हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर सईद है। पीएचडी इन मैथमेटिक्स 2016। मैं ये वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मैं सॉल्व करूँगा। इसके अंदर आपको जो भी कंटेंट होगा वो डिटेल्ड वे से समझाया जाएगा। मेरा जो YouTube चैनल है वो मैथ विद डॉक्टर सईद है। इस वीडियोस में आपको जो मिलेगा वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हर एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, जो भी क्वेश्चन शामिल होंगे, इवन जो एग्जांपल्स इंक्लूडेड हैं वो भी सॉल्व की जाएंगी, एक्सप्लेन की जाएंगी। डेफिनेशंस और थ्योरम्स होंगे, क्योंकि डेफिनेशंस वो फर्स्ट टर्म होती है जिससे आप कोई भी कॉन्सेप्ट जब वो अंडरस्टैंड करते हैं। फिर इसमें जो MCQs आ सकते हैं और पास्ट पेपर्स में जो रेलिवेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं इन चैप्टर वाइज, हम वो भी इसमें सॉल्व करेंगे। तो देखें, हमारे इस सेकंड ईयर की बुक में टोटल 7 चैप्टर्स हैं, 7 यूनिट्स हैं। जो पहला यूनिट है आज हम स्टार्ट करेंगे, यूनिट 1, फंक्शंस एंड लिमिट्स। ये अंडरलाइंग आइडिया है, बेसिक आइडिया है। सारी बुक के अंदर आपको फंक्शन से वास्ता पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम फंक्शंस और इसके दो जो कंपोनेंट हैं, डोमेन और रेंज, के बारे में पढ़ेंगे। तो फंक्शन क्या होता है ये पहले देखिए। उसने छोटी सी आपको एक एग्जांपल दी हुई है, पहले उसको देखेंगे फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। फंक्शन जो फर्स्ट टाइम जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज ने ड्राइव किया था या इन्वेंट किया था, द एरिया ए ऑफ अ स्क्वेयर डिपेंड्स ऑन वन ऑफ इट्स साइड एक्स बाई द फार्मूला ए इक्वल एक्स स्क्वेयर, सो वी सी दैट ए इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। आप एक स्क्वायर लीजिए, उसकी साइड एक्स है और उसका एरिया फाइंड कीजिए, जो कि लेंथ इनटू विड्थ मतलब एक्स स्क्वायर आएगा। जो एरिया होगा वो साइड के का फंक्शन होगा, उसकी टर्म्स में, साइड्स की टर्म में वो एक फंक्शन होगा। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है, लेकिन ये अभी इतनी क्लियर नहीं होगी आपको क्योंकि अभी तक आपने डेफिनेशन नहीं पढ़ी है। तो पहला काम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर दोबारा हम इस एग्जांपल की तरफ आएंगे। डेफिनेशन तो देखिए, लिखा हुआ यहाँ पे, अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट कैपिटल एक्स टू अ सेट कैपिटल वाई is a rule or a correspondence that assigns to each element x in capital X a unique element y in capital Y। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डेफिनेशन है। इसमें टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है, पहले आपको वो समझनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे दो सेट हैं। चलिए यहाँ पे मैं जो है सेट को वेन डायग्राम की फॉर्म में, जो कि हम फर्स्ट टाइम पढ़ा हुआ है, आपने सेट का आइडिया भी वहाँ पढ़ा हुआ है, बाकी ये थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्मेलिटी में आएगा। ये देखिए, मैं दो सेट लेता हूँ, एक का नाम x है और एक का नाम y है। हम क्या करते हैं कि इस सेट x के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसके नाम रख लेते हैं, एक x1 है, एक x2 है, एक x3 है, एंड सो ऑन। इस तरह जो y के एलिमेंट हैं वो y1, y2, y3 एंड सो ऑन कर लेते हैं। अब क्या है कि फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y, उन दो जो हमारे पास सेट हैं इनके दरमियान एक करस्पॉन्डेंस है, एक रिलेशन है, इसको f कहा गया नाम। और ये फंक्शन उस वक्त बनेगा जब ये एक स्ट्रॉन्गर कंडीशन जो दी गई वो फॉलो करेगा। क्या है जी, दैट असाइंस ईच एलिमेंट एक्स इन कैपिटल एक्स अ यूनिक एलिमेंट वाई इन कैपिटल वाई, यानी एक्स के हर एलिमेंट को वाई के यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट करेगा। यूनिकनेस का मतलब होता है कि वो एक ही हो, उस जैसा कोई और ना हो, और यूनिकनेस सिर्फ इस वाई के एलिमेंट के लिए है। देखिए, सिर्फ यूनिक का जो वर्ड लिखा गया है वो सिर्फ वाई के एलिमेंट के लिए कहा गया। यानी एक्स का सपोज करें कि मैं यहाँ पे जो है कनेक्शन बना रहा हूँ, x1 को मैं y1 से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये x1 का y1 से कनेक्शन हो गया, रिलेशन हो गया, मैप हो गया, इमेज हो, जो भी वर्ड इस्तेमाल करना चाहें। तो x1 का अगर कनेक्शन y1 के साथ है तो ये y1 यूनिक होना चाहिए, इस पूरे सेट में इस जैसा कोई और एलिमेंट ना हो जो इस x1 से कनेक्टेड। इसे x2 को सपोज करें मैं y2 से कनेक्ट करता हूँ, तो देखिए y2 यूनिक होना चाहिए, मतलब x2 का इस y2 के अलावा कोई और एलिमेंट से कनेक्शन ना हो। अगर ये x के तमाम एलिमेंट के लिए ट्रू हो, देखिए लिखा हुआ है ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए होना, अगर x के अंदर 50 एलिमेंट हैं और ये 49 के लिए ट्रू है और एक के लिए भी अगर ट्रू नहीं है तो ये फंक्शन नहीं होगा। कंडीशन x के तमाम एलिमेंट के लिए है कि x के तमाम एलिमेंट का जो इमेज है या लिंक है वो यूनिक होना चाहिए, तो फिर ये एक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसको फिर लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इससे इसको डिनोट किया जाता है। अच्छा, मैं फिर बता दूं कि यूनिकनेस की रिस्ट्रिक्शन सिर्फ y के पर है, x पे नहीं है।
यानी ऐसा हो सकता है कि एक्स वन और एक्स टू मिलकर एक एलिमेंट को कनेक्ट कर लें, ठीक है, ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, और दोनों जो हैं वो अगर एक ही किसी वाई से कनेक्ट, तो फिर भी यूनिकनेक्स वाई पे स्टिल कायम है। एक्स वन का इमेज वाई है और वाई के अलावा कोई और इमेज नहीं है, एक्स टू का भी वाई है और वाई के अलावा कोई और नहीं है, तो हमारी जो फंक्शन की डेफिनेशन पूरी हो रही है बिकॉज यूनिकनेक्स रिक्वायर्स ओनली फॉर द एलिमेंट्स ऑफ वाई। अच्छा, इसमें जो x के एलिमेंट होते हैं, x के जो जो एलिमेंट्स हैं उनको कहते हैं कि ये डोमेन है, मतलब ये हमारे पास जो सेट x होगा इसको कहेंगे ये डोमेन है, इसको डोमेन कहा जाता है, और जो सेट y है इसको हम रेंज कहते हैं, ठीक है। या आप सिंपल वर्ड में दे दिए कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है, जो इनपुट हम दे रहे हैं वो x है, जो आउटपुट निकल रहा है मेरे पास वो वो रेंज है, y के एलिमेंट है, और इनके जो है x को जो है इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसी तरह जो y है इसे कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, इंडिपेंडेंट इसलिए कहते हैं कि x हमारी चॉइस पे होता है, जो मर्जी x ले ले, और y हर उस चॉइस पे डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल नंबर जो है वो ये आगे दी हुई है, ये नंबर देखिए 3 पे दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे बाकी एग्जांपल आप 1 देख लीजिए, जो कि 1 हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उसने एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए एक्स क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर है प्लस 4x है माइनस 1 है, ये फंक्शन दिया हुआ है। इसमें जो देखिए, और ये जो था ना एफ ऑफ एक्स, क्योंकि मैंने कहा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब कि जो एफ ऑफ एक्स कहा गया ये दरअसल y है। तो देखिए y और x आपस में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू अगर आप प्लग करेंगे, सपोज करें मैं x की वैल्यू रखता हूँ 0, तो x की 0 के लिए हमेशा एक y एग्जिस्ट करेगा, आप 0 के लिए, तो ये एफ ऑफ जो 0 बनेगा, देखिए 0 का क्यूब करेंगे माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वेयर करेंगे 4 इंटू 0 करेंगे माइनस 1, चूँकि ये पहले तीन टर्म में 0 बन जाएंगे, इसका आंसर आएगा माइनस 1 आएगा, ये एफ ऑफ 0 बन रहा है, यानी ये मेरे पास y बन रहा है। इसका मतलब हुआ कि मैं यहाँ पे अगर x सेट बनाऊँ और यहाँ पे 0 रखूँ, तो जो y का सेट बना था, तो ये 0 जो कनेक्शन किससे हुआ है, ये इस नेगेटिव 1 से कनेक्ट हो चुका हुआ। अब देखिए एक ही इसका आंसर है, यूनिक आंसर है, कोई और आंसर इसका नहीं आएगा, जब भी 0 प्लग करेंगे यही आंसर आएगा। आप यहाँ पे 1 प्लग कर लीजिए, 1 प्लग करेंगे, यहाँ प्लग करेंगे 1 माइनस 2 माइनस 1 बनेगा, प्लस 1 4 करेंगे तो ये आपका बनेगा प्लस 3 बनेगा, फिर माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो फिर ये इसको 2 को करेगा। इस तरह एक्स की हर चॉइस पे जो आप पे मर्जी, आप 0 लें 1 लें 2 लें, ये इंडिपेंडेंट है आपके पास वेरिएबल, आपके पास यूनिक वाई एग्जिस्ट करेगा, लिहाजा ये एक फंक्शन है। वापस आते हैं हमारे पास ये ऊपर वाली एग्जांपल को दोबारा पढ़ते हैं, जो उसने शुरू में लिखी हुई थी कि एरिया ए अगर है तो उसका जो एक्स साइड होगी वो ए पे डिपेंड करेगी। मैं इसको थोड़ा सा सब एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका क्या मतलब था। लीजिए हम एक स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर ऐसी साइड है फोर साइडेड जिसकी हर साइड की लेंथ बराबर होगी, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ये लेंथ है विड्थ है, और ये जो उसका एरिया उसने ऑक्यूपाई किया है इसको ए एम कह देते हैं। तो लीजिए इसका जो एरिया का होता है फार्मूला किसी भी फोर साइडेड फिगर का, वो लेंथ इनटू विड्थ है, इसकी एक्स भी एक्स ही लेंथ है एक्स ही विड्थ है, अगर मैं एरिया को ए कह दूँ तो देखिए ये ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनेगा। ये जो है ये एक फंक्शन है, आप इसकी डेफिनेशन पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैं अगर यहाँ पे फिर ड्रा करूँ, ये दो सेट ड्रा करूँ, एक ये ले लूँ और एक ये ले लूँ, और ये जो फर्स्ट सेट होगा ये उसकी साइड्स का होगा, ठीक है, ये इसको मैं एक्स कह देता हूँ, और जो सेकेंड सेट है ये उसकी एरिया का होगा, आप इसको ए भी कह सकते हैं। अब एक्स के अंदर आप कोई एलिमेंट ले, अब यहाँ देखें या इस सिनेरियो के अंदर एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो एक्स को आप वन ले सकते हैं, टू ले सकते हैं, थ्री ले सकते हैं। अगर आप एक्स को वन लेंगे और यहाँ प्लग कीजिए, उसका जो एरिया बनेगा वन इंटू वन तो वन आएगा, अगर एक्स साइड उसकी टू है तो उसका एरिया कितना बनेगा, टू का स्क्वायर फोर बनेगा, थ्री साइड लेंगे उसका नाइन बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी आप एक्स सेट लेंगे हर एक ये यूनिक एक वाई एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक फंक्शन, ठीक है, ये इसकी बेसिक फंक्शन है, डोमेन है, रेंज है। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि आप इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करें। एग्जांपल 3 हमारे कोर्स में शामिल है, उसको स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 3 में है, हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक हो गया, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है।
डोमेन का मतलब होता है वो एलिमेंट जो इनपुट में आते हैं, ठीक है। इनपुट का मतलब होगा कि आप जो वैल्यू प्लग कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा नंबर भी है जो इनपुट ना बन सकता हो? ऑफ कोर्स, अगर एक ऐसा इनपुट है जिसको जिसका आउटपुट नहीं निकल रहा तो वो इनपुट कंसिडर नहीं होगा। आउटपुट कब नहीं निकलेगा? हमारे इस रियल लाइन के अंदर दो पॉसिबिलिटी हैं जब आउटपुट नहीं निकलेगा। एक ये कि जब हमारे पास समथिंग ओवर जीरो बन जाए, जब ए नॉन जीरो हो उसको जीरो पर डिवाइड करें, क्योंकि ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ये रियल नंबर नहीं होता। तो ये एक ऐसा हर नंबर जिससे इन्फिनिटी आ जाए, अनडिफाइंड बन जाए, वो आउटपुट नहीं होता। इट मीन्स वो इनपुट भी हमारा वैलिड नहीं होगा। इसी तरह अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए तो ये भी रियल नंबर नहीं होता, ये आयोटा की फॉर्म बन जाती है, इमेजिनरी नंबर इसे कहते हैं, अपने फर्स्ट में पढ़े होंगे। ये भी हमारे पास फिर आउटपुट कंसिडर नहीं होता। हमने इसके मतलब ऐसा एक्स जिसको प्लग करने से इन्फिनिटी बनता हो या इमेजिनरी नंबर बनता हो, वो उसका इनपुट काउंट नहीं होगा, बाकी तमाम उसके इनपुट होते हैं। तो जब भी आपका फंक्शन आएगा आपने बस देखना है कि इसके अंदर क्या ये दो सिचुएशन तो क्रिएट नहीं हो रही। और यहाँ पे देखिए, इन पहली वाली कंडीशन के अंदर ज़रूरी है कि फंक्शन जो है वो आपका इस फॉर्म में दिया हो, रैशनल फंक्शन दिया हो, और दूसरी वाली फॉर्म में ज़रूरी है कि फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है ही नहीं। सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं आ सकती, लेकिन फर्स्ट पॉसिबिलिटी आ सकती है, क्योंकि फंक्शन जो है वो बटे की फॉर्म में दिया हुआ है। आपने देखना कि ऐसा कौन सा एक्स है जिसको प्लग करने से जो आपके पास नीचे दिया हुआ है बटे के नीचे डिनोमिनेटर में वो जीरो बनता हो। एक्स क्या प्लग करेंगे, ये जीरो बनता हो। ऑफकोर्स एक्स को टू प्लग करेंगे, टू का स्क्वायर लेंगे, फोर माइनस फोर करेंगे, जीरो बनेंगे। तो टू प्लग करने से जो है वो आपका जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो जीरो बनता है। तो क्या सिर्फ टू से ही जीरो बनता है? नहीं, माइनस से भी बनता है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर को इक्वल टू जीरो कर लिया करें, और यहाँ देखें एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर आएगा, यहाँ भी लें स्क्वायर रूट, यहाँ भी लें स्क्वायर रूट, ये एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव टू आएगा। तो ये दो वो नंबर हैं जिनके प्लग करने से नीचे वाला जो फंक्शन है वो जीरो बनता है, हैंस वो अनडिफाइंड बन जाएगा। तो ये जो दो नंबर हैं ये आपका इनपुट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका आउटपुट एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, इन दो नंबरों को अपनी डोमेन में से जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है बाय डिफॉल्ट उसमें से निकाल देंगे। ये नेगेटिव इनफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इनफिनिटी होता है, ये कहीं जीरो होता है। देखिए यहाँ पे ये मेरे पास जो नंबर आया हुआ है ये मेरे पास टू है, और यहाँ पे जो नंबर होगा मेरे पास ये माइनस टू है। तो ये दो नंबर उसके अंदर नहीं है, बाकी सारी की सारी हमारे पास शामिल है। अब इसको लिखते कैसे हैं, आपकी जो लिखेंगे डोमेन ऑफ जो एफ ऑफ एक्स है ये क्या बनेगा, इसको लिखते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट सिवाय एक्स इज इक्वल टू टू एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। आप इस तरह लिख सकते हैं, आप यहाँ इसको यूं भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर और उसमें से माइनस कर दें ये दो एलिमेंट। आप ये भी कह सकते हैं कि ये उसकी डोमेन है, यानी इसको आप चाहे तो डिस्क्राइब कर दें सिंपल लैंग्वेज के अंदर, या आप उसको इस तरह मैथमेटिकल फॉर्म में ले दें, जो भी आप यूज़ करें मेथड आपका वो आंसर होगा। ये बन गई उसकी डोमेन। व्हाट अबाउट रेंज, जो रेंज उसकी होगी वो एलिमेंट हैं जो आउटपुट आते हैं। रेंज ऑफ जो एफ होगी ये क्या होगी, रेंज का मतलब उसका आउटपुट। तो देखिए बस ये फंक्शन दिया हुआ है, ये एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, ये जो रेंज आप इसके अंदर प्लग करें, आप इसमें जीरो प्लग करें, देखें ये जीरो बनेगा। इसके अंदर आप कोई पॉजिटिव नंबर प्लग करेंगे इसका आंसर पॉजिटिव भी आएगा, तो अगर टू से हायर लेके जाएंगे नेगेटिव भी आएगा। तो इसके अंदर सारे नंबर आने, आप कोई भी ऐसा नंबर नहीं, हाँ ये दो आप प्लग नहीं कर सकते, उनके अलावा जो भी नंबर प्लग करेंगे यू कैन सी दैट कि हर एक नंबर इसका आउटपुट होगा। तो उसकी जो रेंज होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी, ठीक हो गया। इस तरह आप देखें शुरू वाले में जो मैंने एग्जांपल की थी स्क्वायर वाली, यहाँ देखिए अगर इसका कहा जाए कि इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कीजिए, तो देखिए इसकी जो डोमेन थी उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर थे, इसमें जो कि जीरो नहीं आ सकता क्योंकि साइड है, या नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। तो इसकी जो डोमेन बनेगी वो पॉजिटिव नंबर होंगे, यानी जीरो से लेकर टिल इन्फिनिटी, ठीक है। इसको ये इसकी नोटेशन होती है, इसे इंटरवल कहते हैं। और इसकी जो रेंज होगी, और वो भी चूंकि आपने नंबर प्लग करने ही उसके अंदर पॉजिटिव है, तो चूंकि ये है भी स्क्वायर जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, इसकी जो रेंज बनेगी वो भी देखिए जीरो से इन्फिनिटी बनेगी। यानी ये हर फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी रेंज क्या है और उसकी डोमेन क्या है, ठीक हो गया। ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट था, एग्जाम्पल नंबर थ्री थी। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हम इसके जो रिमेनिंग थ्योरी है टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, बिकॉज हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया है। फर्स्ट में तो आपने पढ़ी थी इनटू ऑनटू वगैरह की टाइप्स हैं, ये टाइप्स हैं कितने तरह के फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उनकी टाइप्स पढ़ेंगे, पॉलीनोमियल फंक्शन है, इवन ऑड फंक्शन है, और फिर आगे नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट में कर सकते हैं।